यूपी के 25 जिलों में नामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी करने वाले मामले में एक नई कहानी सामने आई। दरअसल यूपी के गोंडा जिले में असली अनामिका शुक्ला सामने आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षिका अनामिका शुक्ला प्रकरण ने तहलका मचा रखा है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। विभिन्न जिलों में अनामिका शुक्ला के असली नाम प्रिया सिंह के नाम पर रायबरेली, अम्बेडकर नगर, बागपत, अलीगढ़ और सहारनपुर में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। अब असली अनामिका शुक्ला सामने आ गई है। दरअसल गोंडा की रहने वाली असली अनामिका शुक्ला बेरोजगार निकली। उसने दावा किया कि उसके डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग हुआ है। इसके साथ ही खुलासा होने के बाद फर्जी शिक्षिका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब तक मानदेय के रूप में भुगतान किए गए करीब 4.5 लाख रुपये की वसूली भी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी कार्यवाही शुरू कर दी है। जैसे ही टीचर फर्जीवाड़ा का पहला मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, प्रिया बीएस ऑफिस इस्तीफा देने पहुंच गई। जांच में पहले तो यही पता चला कि यही अनामिका शुक्ला है, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद खुलासा हुआ यह तो प्रिया है। मंगलवार दोपहर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने पत्रकारों को बताया अभी असली अनामिका नहीं मिली है। इधर शिक्षा मंत्री की पत्रकार वार्ता खत्म हुई। उधर गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक अनामिका शुक्ला नाम की महिला पहुंची। उसका दावा है कि वही असली अनामिका है और उसके ही प्रमाण पत्रों के आधार पर यूपी के बाकी जिलों में फर्जी तरीके से नौकरी की जा रही है। पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। अनामिका शुक्ला स्वयं उपस्थित हुई थी आज, जो गोंडा जिले की ही रहने वाली हैं और गोंडा से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और जो कि अन्य जनपदों में उनके नाम से और उनकी मार्कशीट का दुरुपयोग करते हुए नौकरी की जा रही कस्तूरबा गांधी में। तो आज जब उनको प्रकरण पता चला मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से, तो आज स्वयं उपस्थित हुई प्रार्थना पत्र लेकर के कि ये मैं हूँ और मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट्स मूल डॉक्यूमेंट्स है। और चूंकि हमारे पास एसपीओ ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स आया था उस डॉक्यूमेंट्स मैंने मिलान किया तो उसमें कुछ डिफर पाया गया, जैसे फ़ोटो चेंज की गई है, साइन कुछ स्कैन किए गए हैं, बाकी नंबर और सब चीज़ें रोल नंबर सब वही हैं। तो ये हूबहू क्या बनाया गया है, डॉक्यूमेंट तैयार किया गया? अब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल स्कैन किया गया वो। अब जैसा कि अभी अनामिका शुक्ला ने बताया कि जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ में उनके कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो वहीं से वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट कहीं से मिली है और वहीं से उसका दुरुपयोग हुआ है। अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता अगर इस तरह से हो रहा है। अच्छा, ये मूल रूप से क्या अनामिका शुक्ला टीचर है गोंडा में कहीं? नहीं, ना वो शिक्षिका है ना कभी वो शिक्षिका रही है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है गोंडा की? यही रुपाई डी ब्लॉक है, उसी ब्लॉक की रहने वाली। इसमें फर्दर केस के लिए क्या कोई एफआईआर के लिए आपकी तरफ से कुछ किया गया हो? नहीं, अभी तो अनामिका शुक्ला द्वारा स्वयं एफआईआर दर्ज करने के लिए अभी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा दिया गया अभी गोंडा कोतवाली में। आपके पास जो उन्होंने प्रपत्र दिया उसमें क्या कुछ कहा गया है कि वो? उसमें यही किया गया कि वो उन्होंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए और लिखित रूप में दिया कि मैं ना कभी कहीं नौकरी की हूँ ना मैंने कभी या वर्तमान में ना नौकरी कर रही हूँ, अर्थात जो भी मेरे नाम से कर रहा है तो वो निश्चित रूप से फर्जी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग कर